ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 11 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਚੰਨੀ नवजोत सिद्धू ने चरणजीत चन्नी नूं दित्ती वधाई कहा इतिहासक पंजाब नूं मिलिया पहला दलित सीएम इतिहास विच सुनहरी अखरां विच होवेगा दर्ज मंत्री बनन तो बाद मनप्रीत बादल नाल चन्नी ने की मुलाकात मनप्रीत बादल ने जफी पा के दित्ती वधाई सुखजिंदर रंधावा का वड्डा बयान कहा हुण जिते असी अप्रैल तो शुरू की लड़ाई कैप्टन साहब नूं नाल लैके चलना सीएम का काम सत श्री अकाल जी इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हो तुसी मैं हां नीलम शर्मा बुलेटिन का आगाज करांगे इस वक्त की वड्डी खबर दे नाल अज नवे सीएम दा सहुं चुक समागम होवेगा राजभवन विच 11 बजे सहुं चुक समागम होवेगा सीएम अहुदे दी सहुं चुकणगे चरणजीत सिंह चन्नी सीएम अहुदे दी सहुं चुकणगे चरणजीत सिंह चन्नी ते रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा भी सहुं चुकणगे डिप्टी सीएम ऐलानिया गया इन्हां नूं सहुं चुक समागम तो पहलां गुरु घर नतमस्तक होए ने चन्नी ते 11 बजे राजभवन विच सहुं चुक समागम होवेगा चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री दी कुर्सी ते बिठाउण दा फैसला करके एक वड्डा दाव वी किते ना किते खेडिया गया है ते कुछ ही देर विच सहुं चुकणगे दलित ते सिख चेहरा ने पंजाब दा ते दुआबे विच चंगी पकड़ भी रखदे ने राजभवन विच सहुं चुक समागम होवेगा 11 बजे ते तमाम विधायक उत्थे पहुंच रहे ने राहुल गांधी भी पहुंच रहे ने ते डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा इन्हां नूं ऐलानिया गया है रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा भी सहुं चुकणगे सहुं चुक समागम तो पहलां गुरु घर नतमस्तक होए ने चन्नी ते 11 बजे राजभवन विच सहुं चुक समागम होवेगा वड्डियां चुनौतियां ने चरणजीत सिंह चन्नी दे सामने क्योंकि समा बहुत घट है ते आसां भी बहुत ने लोकां नूं पंजाब दे लोकां लई की कुछ करदे ने बहुत जरूरी होवेगा इस समय ते पंजाब दे लोकां दा दिल जितना क्योंकि बहुत ही घट समा है ते चुनौतियां पंजाब दे नवे सीएम दे सामने बहुत ज़्यादा ने राजभवन विच अज सहुं चुक समागम होवेगा ते तैयारियां कीतियां जा रही ने विधायक पहुंचणगे गुरु घर विच नतमस्तक होए ने चरणजीत चन्नी ते डिप्टी सीएम ब्रह्म महिंद्रा ते सुखजिंदर रंधावा बने ने बहुत चीज़ां ध्यान विच रखते हुए डिप्टी सीएम ते सीएम नूं ऐलानिया गया हाईकमान वल्लों रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि चन्नी जी शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाएंगे आपको चलो जाना चाहिए तो कर्सी बनती है आपको लग आप पर हरीश रावत जी ना जा रहे तो ऊपर हमला हुआ क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस देखो ये डिफरेंस ऑफ बड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता ये तो उनकी बात है लेकिन सारी कांग्रेस जो है सेलिब्रेशन कर रही है सारे पंजाब में सेलिब्रेशन कर रहे हैं दलित सिख चेहरा पहली बार पंजाब के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने पेश हुआ है इसलिए मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं सबको ठीक हो जाएगा विवाद के हर गल से लोग करते ही रहते हैं बट ओवरऑल जोड़ा है ये कांग्रेस को फायदा होगा ਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
उतार लेना। सुनील जाखड़ के बयान से सियासत लगातार भगती जा रही है। उन्होंने कहा है 2022 सिद्धू मुख्यमंत्री चेहरा होंगे ते किते ना किते डीमोटिवेट करन वाला भी है नवे सीएम नू। चरणजीत चन्नी दी संयुक्त समागम तो पहला हरीश रावत का यह बयान कि चोणा नवजोत सिद्धू के अधीन लड़िया जाणगियां इस सीएम अहुदे का मजाक है। नाल ही यह भी दर्शाता है कि चन्नी नू सीएम क्यों चुनिया गया। इस ट्वीट तो बाद लगातार विवाद वधदा जा रहा है ते तमाम आगू किनारा करते नजर आ रहे हैं। अरुण आहूजा साढ़े सहयोगी जुड़े हुए ने साढ़े नाल। अरुण अज सहुं चुक समागम है चरणजीत सिंह चन्नी का, पर उस तो पहला इस तरह का ट्वीट कितने ना कितने डीमोटिवेट करना नवे सीएम नू। बिल्कुल नीलम, साबका प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ वालों इस तरह का ट्वीट करना कितने ना कितने नवे जिहड़े मुख्यमंत्री के वजूद नू सट मारन वाला हैगा। कितने ना कितने साबित कर रहा है, शो कर रहा है कि उन्होंने वड्डा जिहड़ा दुख लग्या हैगा, क्योंकि बीते दिन लोगों का एक वड्डा हजूम उन्होंने घर पहुँचा सी फुलों के गुलदस्ते लैके, तो काफ़ी उन्होंने निघा स्वागत किया गया सीगा, क्योंकि रेस दे विच सब तो अगे ना सवेर तो लैके सुनील जाखड़ दा आ रहा सीगा। तो इस तरह की ट्वीट करना वह भी अज के दिन जो उन्हों का सहु चुक समागम है, ताजपोशी समागम है, यह साबित करता है कि वह चरणजीत सिंह चन्नी नू सीएम के अहुदे लई नहीं उन्हें उस चीज़ के काबिल समझते। नीलम ते अरुण, किस तरह की हलचल वेखन नू मिल रही है चंडीगढ़ विच, अज सहु चुक समागम है। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ दे विच लगातार जिहड़े विधायक मंत्री सवेर तो लैके उन्हां दी जिहड़ी सरकारी रहायश ते पहुँच रहे हैं, तो चरणजीत सिंह चन्नी जी की जे गल करिए सब तो जिहड़ा अज दा पहला दिहाड़ा सीगा वह अपने खरड़ स्थित जिहड़ा निजी आवास हैगा घर हैगा उत्थे रात रुके सीगे, ते लोकां वल्लों निघा स्वागत भी उन्हां दा कीता गया सी। ते दस दईए कि उन्हां दे ड्राइंग रूम दे विच उन्हां दी माता जी की एक तस्वीर लगी हुई है। शुरू तो चरणजीत सिंह चन्नी जो भी अपने किसी भी काम लिए घर तो निकलते हैं तो उस किंतु प्राप्त नहीं करता। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा पंजाब के इलेक्शन में? नेचुरली फर्क पड़ेगा। डिप्टी सीएम की गल की जाए ते दो चेहरे ऐलाने गए ब्रह्म महिंद्रा ते सुखजिंदर रंधावा, की कुछ ध्यान विच रखा गया? क्योंकि सुखजिंदर रंधावा एक अजिहा चेहरा जो कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबी होंदे सन। बिल्कुल, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सारे करीबी होंदे सीगे, क्योंकि जोर सीगा उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह दा। ते हुण जदों नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कमजोर होंदे दिखाई दिते, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने साबित किया ये चीज़ अपने आप अस्तीफा दे के कि वह अणख रखते हैं, तो होर ज़्यादा उन्हां दी इंसल्ट ना हो हाईकमांड के विच उन्होंने समा रेंदे अस्तीफा देना जिहड़ा बेहतर समझिया, तो अस्तीफा दे के वह अपना किनारा कर गए, परंतु नाल दी नाल हाईकमांड नूं चेतावनी भी दे के गए ने जेकर तुसी सिद्धू नूं या मेरे किसी इस तरह के विरोधी नूं जेकर तुसी सीएम बनाया तो तुसी फ्लो टैसट लई तैयार रहो। तो इस करके हाईकमांड ने विशेष तौर पर जिहड़ी खास विधायकां नाल गलबात करके सलाह मशवरे करके पूरे दिन की जिहड़ी मशक्कत सीगी गलबात करन तो बाद शाम देर शाम यह फैसला लिया, तो जिस तो बाद सारे नीलम हैरान हो गए सी, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम किते भी नहीं सी दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी भरोसा नहीं सी, उन्हां दी फैमिली मैंबरस तक नूं इह भरोसा नहीं सी। हाँ, कुछ मैंबरां नूं इह जरूर सी कि वह डिप्टी सीएम बन सकते ने, जिस नूं लैके उन्हां दे घर दे विच टेंट वगैरह लगने शुरू भी दोपहर तो बाद हो गए सीगे, परंतु जदों उन्हां नूं पता लग्या कि चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बन चुके ने पंजाब दे, ते उन्हां दी उन लोगों में है बाकी पार्टी, क्योंकि बाकी की पार्टियां
वो एक इसको इशू बनाना चाहते थे कि दलित को होना चाहिए, जैसे सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, बीजेपी ने कहा हम सीएम बनाएंगे, आम आदमी का भी शायद यही था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने बना दिया और अब उनको ये मौका दिया है और इस मौके का जो हमारे लोग फायदा उठाएंगे और कांग्रेस को भरपूर समर्थन जो मिलेगा। इस टाइम पे जिस तरह से जाखड़ साहब ने ट्वीट किया है उस पर क्या कहना है आपका? देखो मैं किसी के ट्वीट के कुछ मतलब कुछ नहीं कहता, हर की अपनी अपनी राय होती है। मैं तो आज बहुत मुबारकबाद दिन है और मैं उनको मुबारकबाद देना आया हूँ और उनको शपथ दिलाने आया हूँ। क्या वो आज कैप्टन साहब भी आएंगे? ये तो मैं क्या इस चीज का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अरुण सोच चुक समागम तो पहला इस तरह का ट्वीट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ? ਅਰੁਣ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰੁਣ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜੂਨੀ ਚੜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨੀਲਮ, ਚੜੂਨੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 33-34% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਸ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੇਰਫੋਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਦਾਗ ਅੱਛਾ ਚੈਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਹੋਇਆ ਅਪਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨੀਲਮ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
हल्के दे विच अपने जिले दे विच सरकारी अफसर तक बहुत सारे काम पैंदे ने, जेकर वह सरकार दे विरोधी सरकार पार्टी वालों चुने गए जिहड़े सीएम दे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करन लग गए, उस दे विच शामिल होण लग गए, तो सरकार लाजमी है कि उन्हां तों किनारा कर जाएगी। फिर एस एस पी डी सी एस एच ओ एस डी एम इस तरह के अधिकारियों के उन्हां दी पुछ प्रतीत लाजमी हैगी है, वह खत्म हो जाएगी। इस करके कोई भी पोलीटिकल लीडर कदे भी यह नहीं चाहता होंगे कि असी सरकार दे नाल किसी तरह की दुश्मनी वैर विरोध करिए। नीलम अरुण जी, डिप्टी सीएम की गल की जाए तो कितने ना कितने वह दोवें जने करीबी मने जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, ते कहा जा रहा है कि उन्होंने एडजस्ट करन दी कोशिश की है हाईकमांड ने। देखो ब्रह्म इंदरा बारे तो कह सकते हैं कि कैप्टन साहब दे हजे भी करीबी होंगे, परंतु सुखजिंदर रंधावा पिछले दिन ही देखा होना, सुखजिंदर रंधावा सब तो अगे सीगे सीएम बनने की होड़ दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ। सब तो पहला जिहड़ा बयान सी नवजोत सिंह सिद्धू तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिता सी। सुखजिंदर सिंह रंधावा वह शख्सियत ने जिन्हां दे घर दे विच सरकारी कोठी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ मीटिंग होनी शुरू हुई सी, ते उस तो बाद सिलसिला वधदा गया वधदा गया। फिर उस तो बाद तृप्त रजिंदर बाजवा के घर मीटिंग होंदी है, तो वह आखिरी मीटिंग साबित होंदी है, तो उस तो बाद देख सकते हो तुसी रातों रात किस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा तख्ता पलट कर दिता गया, उन्होंने उन्होंने सीएम की कुर्सी खोली गई है। तो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल जिहड़ी सिक्योरिटी सीगी, जिहड़ी जैड सिक्योरिटी सीगी, जिहड़ी बुलेट प्रूफ गड्डियां सीगियां, वह सारिया हुण चरणजीत सिंह चन्नी कोल तब्दील हो रही ने। अज तो अज कुछ ही समय के जिहड़ा चरणजीत सिंह चन्नी सीएम ऐलान दिते जाणगे, सहु चुकी जाएगी उन्हां वल्लों, तो डिप्टी सीएम जिहड़े सुखजिंदर रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा वालों भी जी सौ चुकी जाएगी, गवर्नर उन्होंने सौ चुका, उसके बाद वो गवर्नर हाउस शब्द लेने के लिए जाएंगे। कैप्टन साहब के पास ही जाएंगे, वो दोपहर का प्रोग्राम है कैप्टन साहब। हाँ कैप्टन साहब दोपहर का जाकर साहब ने इस टाइम ट्वीट किया है, वो उसका तो क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे के ट्वीट के बारे में मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने बोला है कि हरीश रावत जी मनमानी कर रहे हैं, ये सीएम को डिग्रेड करने का है। मुझे ये अभी मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के इसके ऊपर भी कमेंट कर दूंगा। सो चन्नी अज सौ चुकणगे, समा बेहद घट है ते चुनौतियां वड्डी ने। इस वक्त दी वड्डी खबर सामने आ रही है चरणजीत चन्नी दे सामने, बहुत वड्डियां चुनौतियां ने अज सीएम अहुदे दी सहु चुकणगे चरणजीत चन्नी, ते सहु चुक समागम तो पहला वड्डी खबर सामने आ रही है, एक डिप्टी सीएम नू बदलिया जा सकता है, सूत्रों के हवाले तो इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है। कौन डिप्टी सीएम बदलिया जा सकता है इसकी जानकारी हाले नहीं है, पर एक डिप्टी सीएम नू बदलिया जा सकता है। ये लगातार रोमांचक बनता जा रहा है कि कौन सीएम ते कौन डिप्टी सीएम, क्योंकि बीते दिन भी इस तरह का सस्पेंस शाम तक बरकरार रहा, ते एंड मोमेंट से चरणजीत चन्नी का नाम सामने आया, उस दौड़ विच शामिल होए, ना सिर्फ शामिल होए सब तो पहला नंबर से भी गए, ते सीएम ऐलान भी दिता गया। ते हुण सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है कि एक डिप्टी सीएम बदलिया जा सकता है। बीती राती दोवें डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया सी, सुखजिंदर रंधावा ते ब्रह्म महिंद्रा दे नां दा ऐलान, आशंकाएं फैलाई। उसके बाद जब समाज के सभी हिस्से जो वैक्सीनेशन के अभियान है उसमें शामिल हुए, और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हिंदुस्तान 12 बजे राजभवन विच सोचुक समागम होवेगा, तमाम विधायक पहुंच रहे ने, राहुल गांधी भी पहुंचणगे अज। बीते दिन ही राहुल गांधी ने बधाई भी दी सी चरणजीत सिंह चन्नी नू सीएम दे अहुदे लई, ते इस वक्त की वड्डी खबर यह सामने आ रही है सूत्रों के हवाले तो डिप्टी सीएम बदलिया जा सकता है, सुखजिंदर रंधावा या फिर ब्रह्म महिंद्रा इन्हां विचों एक डिप्टी सीएम बदलिया जा सकता है। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है एक डिप्टी सीएम नू बदलिया जा सकता है, तमाम समीकरणों नू वेख के ये डिप्टी सीएम बनाए गए, पर हुण भी सस्पेंस बरकरार, कौन डिप्टी सीएम होणगे।
चरणजीत सिंह चन्नी सीएम अहुदे की सहुं चुकणगे। ये तस्वीर असीं तुहानूं विखा रहे हां, परिवार के नाल नतमस्तक होए ने सहुं चुकण तो पहला। चरणजीत सिंह चन्नी अपने परिवार के नाल गुरु घर विच नतमस्तक होए, अरदास कीती। कुछ ही देर विच सहुं चुक समागम होवेगा, पर उस तो पहला ये वड्डी खबर सामने आ रही है कि एक डिप्टी सीएम नूं बदलिया जा सकता है। सहुं चुक समागम तो पहला इस तरह की खबर, ते 11 बजे सहुं चुक समागम, ते उस तो पहला डिप्टी सीएम एक बदलिया जा सकता है, खबर सामने आ रही है। सुनील जाखड़ के ट्वीट से भी विवाद है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने हरीश रावत से निशाना साध्या है कि कितना ना कितने सीएम नवे सीएम डीमोटिवेट किया जा रहा। अज सीएम अहुदे की सहुं चुकणगे चरणजीत चन्नी। चन्नी अपने घर तो रवाना हो चुके हैं सहुं चुक समागम के लिए। 11 बजे सहुं चुक समागम है राजभवन में, तो अपने घर तो रवाना हो चुके हैं सहुं चुक समागम के लिए। चन्नी अपने घर तो रवाना हो चुके हैं, 11 बजे राजभवन में सहुं चुक समागम होगा। कुछ ही देर में पंजाब के नवे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सहुं चुकणगे, तो अपने घर तो रवाना हो चुके हैं। कई विधायक कई मंत्री मौजूद रहेंगे इस सहुं चुक समागम। कुछ ही देर में राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। अजे 11 बजे राजभवन में सहुं चुक समागम होगा, तो अपने घर तो चरणजीत सिंह चन्नी रवाना हो चुके ने। राजभवन दियां तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां, जिथे तमाम तैयारियां कीतिया गई ने, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने। इत्थे विधायक मंत्री पहुंचणगे, तो कुछ ही देर में सहुं चुक समागम होगा, तो चन्नी अपने घर तो रवाना हो चुके ने इस सहुं चुक समागम के लिए। सीएम अहुदे की सहुं चुकणगे चरणजीत चन्नी। समा घट है उन्हां कोल, ते चुनौतियां वड्डियां ने। तमाम कांग्रेस के किते वादियां नूं ध्यान विच रखना पवेगा, जनता का दिल जितना अहम चुनौती। तो हाईकमान ने उन्हां ते भरोसा भी जताया है, तो कई चुनौतियां ने चरणजीत सिंह चन्नी के सामने। इस समय घट समय विच वध चुनौतियां, तो अपने आप नूं प्रूव करना एक अपने आप विच वड्डा चैलेंज, क्योंकि जनवरी विच चोण जाबता लग जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो फरवरी में 2022 दियां चोणां ने। उस तो पहला ही दसंबर तक का समा कह सकते हैं चन्नी कोल होगा अपने आप नूं प्रूव करन दा, तमाम उन्हां वादियां उन्हां दावियां ते कम करन दा जो कांग्रेस ने किते, जिस लई हाईकमान ने इन्हां ते भरोसा जताया। ये राजभवन दियां तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां, ये लाइव तस्वीर राजभवन की असीं तुहानूं विखा रहे हां, जिथे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कुछ ही देर में पंजाब के नवे सीएम पहुंचणगे, घर तो रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचणगे, तो कई विधायक तो मंत्री भी पहुंचणगे सहुं चुक समागम के। अज बतौर पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री होणगे चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। तो दलित सिख चेहरा ने समर्थकों में खुशी की लहर वेखी जा रही है, तो कुछ ही देर में पहुंचणगे राजभवन दी। तस्वीर असीं तुहानूं विखा रहे जिथे सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कुछ ही देर में मंत्री विधायक पहुंचने शुरू हो जाएंगे, 11 बजे सहुं चुक समागम है। ये राजभवन दी तस्वीर असीं तुहानूं लगातार विखा रहे हैं। रंधावा ते ब्रह्मेंद्रा डिप्टी सीएम होणगे, पर सूत्रां दे हवाले तो यह खबर भी सामने आ रही है कि किसी एक नूं चेंज किया जा सकता है। अज हलफ लैणगे नवे मुख्यमंत्री पंजाब दे चरणजीत सिंह चन्नी।
फिलहाल रुकांगे एक छोटे जे ब्रेक दे ले ही, ब्रेक दे उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।